नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट में सूजन हो जाना। ये जो हमारी आहार नलिका है जिसे हम ईसोफेगस बोलते हैं, गैस्टर यानी कि अमाशय, यानी कि बात करें अमाशय के अंदर वाला जो भाग है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, उसमें सूजन हो जाना, जिसे हम गैस्ट्राइटिस के नाम से जानते हैं। दोस्तों, जिसको भी गैस्ट्राइटिस होता है यानी कि जैसे मैंने बताया पेट के इंटरनल पार्ट्स में स्वेलिंग हो जाना, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाना, यही गैस्ट्राइटिस की एक पहचान है। दोस्तों, जिसको भी गैस्ट्राइटिस होता है उसको बहुत सारे लक्षण नजर आ सकते हैं, जैसे कि ये हमारा पेट है, इसके ऊपरी वाले भाग में दर्द होना, चेस्ट बर्निंग सेंसेशन होना, जलन होना, बेल्चिंग यानी कि बहुत ज्यादा डकार आना, उल्टी आना, पेट का फूलना, पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है, भूख कम हो जाती है, खाने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। और देखा जाता है दोस्तों, जिनको भी गैस्ट्राइटिस होता है उनका वजन निरंतर कम हो रहा होता है, ऐसे लोगों को बहुत हिचकी आती है। अगर हिचकी आनी शुरू हो गई तो लगातार उसको हिचकी आती रहती है, उल्टी आती है और उल्टी के साथ कई बार ब्लड भी आ जाता है, और अगर वो स्टूल पास करता है, मोशन पास करने जाता है तो उसमें भी कई बार तो ब्लड नजर आता है। जिनको भी गैस्ट्राइटिस होता है ऐसे लोगों को वीकनेस बहुत ज्यादा होती है और बॉडी से बहुत ज्यादा पसीना निकल रहा होता है। और दोस्तों, कई बार देखा जाता है कि जिसको गैस्ट्राइटिस है और वो मोशन पास करने जाता है तो उसके मोशन का कलर भी ब्लैक होता है, खट्टी खट्टी डकार आती है। इस तरह से हम पहचान सकते हैं, ये सारे लक्षण हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है। और गैस्ट्राइटिस दो प्रकार की होती है, एक्यूट गैस्ट्राइटिस और क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। इसमें एक इन्फेक्शन होता है एच पाइलोरी इन्फेक्शन, जिसे हम हेलिकोबैक्टर इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। ये खाने से हो सकता है, ये पानी जो गंदा आ रहा है, दूषित आ रहा है, उसके सेवन से ऐसा हो जाता है। और जिनको भी ये समस्या होती है ऐसे लोगों में देखा जाता है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण से भी ऐसा हो सकता है। जो लोग धूम्रपान का सेवन ज्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट ज्यादा पीते हैं, तंबाकू खैनी ऐसी चीज ज्यादा खाते हैं, उनमें भी गैस्ट्राइटिस होने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। या उन लोगों को यह समस्या होती है जिनको पेट में कभी कोई चोट लगी हो, कोई इंजरी हुई हो। जिन लोगों की इम्यूनिटी कम होती है यानी कि वो बार बार बीमार पड़ते हैं, मौसम चेंज हो गया उनको बीमारी हो गई, चाय कॉफी का ज्यादा सेवन करते हैं, ज्यादा मसालेदार खाने के शौकीन हैं, ऐसे लोगों को गैस्ट्राइटिस होती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा चक्कर आ सकते हैं, ऐसे लोगों को निरंतर सांस फूलने, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स, जरा सा चलेंगे थक जाएंगे, सांस फूलेगी, मुंह में खट्टा खट्टा पानी आता है, डकार आती है। और ऐसे लोगों में देखा जाता है कि एक समय पर आकर उनमें खून की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा कम हो जाता है, बहुत ज्यादा घबराहट रहती है। ऐसे लोगों में कॉन्स्टिपेशन की समस्या ज्यादा रहती है, स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और इसके ज्यादा दिन रहने से देखा जाता है कि हाइपोथायरायडिज्म हो जाता है। किसी भी बीमारी के लिए लंबे समय से मेडिसिन निरंतर ले रहे हैं, काफी लंबा समय हो गया मेडिसिन लेते हुए, तो उसके साइड इफेक्ट के कारण से भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। या कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को मोशन आ रहा है और वो होल्ड करके रखता है, बहुत सारे लोगों का ऐसा नेचर हो जाता है कि उनको मोशन आ रहा है लेकिन उसको जब तक उनकी ऐसा लगता है कि मोशन निकल नहीं जाएगा, वो मोशन पास करने जाते ही नहीं, उसको होल्ड करने की कोशिश करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। जब व्यक्ति इस प्रकार से करता है तो उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उस पर प्रेशर आता है और ऐसे लोगों को भी गैस्ट्राइटिस हो सकता है। जो लोग आराम परस्त जीवन जीते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, फिजिकल एक्टिव बिल्कुल नहीं करते हैं, लेटे रहते हैं, बैठे रहते हैं, खाते रहते हैं, ऐसे लोगों में गैस्ट्राइटिस के चांस होने के बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिनको भी ऐसी समस्या होती है उनको डायबिटीज भी हो सकती है। जो लोग पानी बहुत कम पीते हैं, पूरे दिन में एक ग्लास दो ग्लास पानी ही पीते हैं, ऐसे लोगों को देखा जाता है कि गैस्ट्राइटिस होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। दोस्तों,
ये सभी मैंने आपको कैसे आप गैस्ट्राइटिस हुआ है उसको पहचान सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिसके द्वारा आपको ये स्वयं पता चल जाएगा कहीं गैस्ट्राइटिस तो नहीं हो गया, ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपकी बॉडी में नजर आते हैं उसके आधार पर भी आप पहचान सकते हैं कि आपको गैस्ट्राइटिस हो गया है। अगर दोस्तों आपको ये सारे कारण होते हैं, आपको सारे ये लक्षण नजर आते हैं और आपको लगता है कि गैस्ट्राइटिस हो गया है, या आप डॉक्टर के पास गए, आपने टेस्ट कराया और पाया कि गैस्ट्राइटिस हो गया है, तो आज मैं आपको न्यूरोथेरेपी के कुछ छोटे से ट्रीटमेंट सिखाता हूँ। अगर ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करेंगे, आपको जो गैस्ट्राइटिस हो गया है आपके पेट में, इंटरनल जो हमारा एब्डोमन है, पेट है, उसके इनर मेम्ब्रेन में स्वेलिंग आ गई जिसे हम गैस्ट्राइटिस कहते हैं, तो इस ट्रीटमेंट के द्वारा आपकी गैस्ट्राइटिस की समस्या भी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। तो आइए जानते हैं। पेशेंट को इस प्रकार से चेयर पे बिठाना है, थोड़ा सा हमें टैलकम पाउडर लेना है और देखेंगे यहाँ कान के नीचे एक नर्व होती है, यहाँ हमें थोड़ा सा टैलकम पाउडर लगाना है, ऐसे ही दूसरी साइड में लगाना है। इसके बाद देखेंगे हमें अपने अंगूठे से रब करना है, देखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. पहले लेफ्ट साइड किया, फिर राइट साइड करेंगे। देखेंगे राइट साइड भी उसी प्रकार से करना है, तरीका वही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. इस प्रकार से हमें करना है, पहले हमने लेफ्ट किया, फिर राइट किया, फिर हमें एक मिनट गैप देना है, फिर लेफ्ट करना है और फिर राइट करना है, ऐसा एक एक मिनट गैप पर हमें दो बार करना है। दोस्तों अभी आपने देखा गैस्ट्राइटिस के विषय में हमने आपको कुछ जानकारी दी, पेट में सूजन आ गई है जिसके बारे में हमने आपको बताया, और वो सारे लक्षण, वो सारे कारण आपको बताए जिसके आधार पर आप ये पहचान पाएंगे कि कहीं आपको गैस्ट्राइटिस तो नहीं हो गया है, और अगर गैस्ट्राइटिस हो गया है उसका ट्रीटमेंट भी हमने आपको सिखाया। ये ट्रीटमेंट आप रेगुलर करें, बहुत छोटा सा ट्रीटमेंट है, 1 से 2 मिनट ही लगने वाली है, लेकिन आपकी जो स्वेलिंग आ गई है, आपका एब्डोमन जो डिस्टर्ब हो गया है, आपकी जो पाचन क्रिया है वो डिस्टर्ब हो गई है, तो ये ट्रीटमेंट करने से आपको बहुत आराम आएगा। फिर भी कोई समस्या रहती है आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपने खान पीन को ठीक करिए, अपनी लाइफ स्टाइल में बदलाव लाइए, रूटीन में एक्सरसाइज करिए, नींद प्रॉपर लीजिए, पानी प्रॉपर लीजिए, तो आप हमेशा के लिए पहले की तरह स्वस्थ हो सकते हैं और जो आपकी समस्या वो धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। अगर आप ठीक प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं, आप उतने अच्छे रिजल्ट नहीं ले पा रहे हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, पेट संबंधित कोई भी समस्या है, ना आप नले, कौड़ी, धरण, आईबीएस, गैस्ट्राइटिस, यानी कि कोई भी समस्या है पेट संबंधित या अन्य कोई समस्या है, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे क्लिनिक पर विजिट कर सकते हैं, आप हमारे पास ट्रीटमेंट कराने के लिए आ सकते हैं और आपकी सभी समस्या न्यूरोथेरेपी के माध्यम से बिल्कुल ठीक हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये जानकारी आपके लिए बहुत लाभकारी हो सकती है। दोस्तों आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन बटन जरूर दबा दें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और वीडियो को लाइक अवश्य करें, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलता रहे।